What is up? So welcome back to my channel. I look so sick, guys, because I am sick today. और मैं क्या बताऊँ, sickness तो चल रही है life में बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से. तो हमने सोचा कि sickness को मारते हैं गोली और होते हैं तैयार, क्योंकि मुझे करनी है कुछ videos shoot. तो मैंने सोचा कोई नहीं, बीमारी तो चलती रहेगी, पैसा आना भी तो ज़रूरी ना, क्योंकि पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं सोचा उठती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ फटाफट. आज मैं वैसे भी 365 ब्लॉग्स तोड़ने आती थी क्योंकि मुझे हो गया था कल कुछ नेगेटिव कमेंट्स की वजह से मैं नेगेटिव हो गई थी गाइस, कि काजल नहीं बन पा रहे हैं ब्लॉग्स तो मत बनाना ब्रो, ऐसे घर में क्यों बना रही है ये वो. तो मैंने सोचा मैं बनाती नहीं हूँ. फिर मैंने पॉजिटिव कॉमेंट्स पढ़े, मैंने फक यू नेगेटिव कॉमेंट्स, आई डोंट गिव अ फक टू यू गाइस. अभी हमें करना है घर में शूट गाइस, तो उसके लिए मैं साथ रेडी होंगी और तुम लोग मुझे देखोगे. हम फिर से आज वार्तालाप करेंगे और मेरे पास आज एक बड़ा ही हॉट टॉपिक है तुम लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए. तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट डू दिस राइट नाउ. तुम लोगों ने कहा कि काजल दी कोरियन नूडल जो आपने कल मंगाए थे वो भी खा के बताना हमें, तो गाइस अभी मैं खा नहीं सकती हूँ, डॉक्टर ने मना किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्टमक इन्फेक्शन है. तो मैं बाहर का नहीं खा सकती क्योंकि कल मैंने कुरकुरे खा के अपनी ऐसी तैसी करा ली थी, अब मैं नहीं खाना चाहती और कुछ. तो डॉक्टर ने कहा अभी मत खाना, जब आप ठीक हो जाओगे तो तब खाना. सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद माई मेकअप फर्स्ट. वैसे मैं लग रही हूँ क्या बीमार? मैं बीमार रहती हूँ ना गाइज, मुझे ऐसे लेटना पसंद नहीं है बेड पे फालतू का, क्योंकि ना नहीं पसंद तो नहीं पसंद. हम करते हैं मेकअप स्टार्ट अपना फटाफट. पहले हम बना लेते हैं अपना बन. तो गाइज जो मैं इम्पॉर्टेंट बात तुम लोगों के साथ करने वाली हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे बहुत बहुत दिनों से डीएम आ रहे हैं और मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे नोटिस करा है. वेट गाइज पहले हम साथ के साथ मेकअप कर लेते हैं फिर बात करते हैं. तो ये सब सारे मेकअप प्रोडक्ट्स खत्म हो गए, मुझे ये भी ऑर्डर करना है. और गाइज मुझे ये बताना है, ये ना मेरे पिंपल का निशान दिख रहा होगा तुम्हें, ये पिंपल का निशान रह गया, जा ही नहीं रहा पता नहीं क्यों. तो ये कैसे जाएगा, प्लीज़ डू लेट मी नो. हाँ तो मुझे ये बताना था गाइज कि पता नहीं कोई फेक अकाउंट किसी ने बनाया है मेरे नेम से, और अब वो लड़का है लड़की आई डोंट नो कौन है, वो तुम लोगों से टेलीग्राम पे पैसे मांग रहा है आई गेस, है ना? व्हाट द फक, वो तुम लोगों से टेलीग्राम पे पैसे मांग रहा है. तो तुम लोगों ने भी मुझे फिर कमेंट्स किए बहुत सारे, मुझे डीएम्स भी आए इंस्टाग्राम पे कि काजल दी इज़ दिस योर रियल आईडी और समथिंग, और ये बंदा आपके अकाउंट से हमें बहुत सारे डीएम्स कर रहा है, पैसे मांग रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना. तो कुछ लोग समझदार थे, समझदार क्या मतलब, समझदार ही बोल सकते तो कुछ लोग जो समझदार थे उन्होंने तो बता दिया कि दिस इज़ अ फेक अकाउंट, ये वो काजल दी, हमने ब्लॉक कर दिया डायरेक्ट. कुछ लोग इनोसेंट थे बेचारे, वो नहीं समझ पाए. तो गाइस मैं तुम्हें बता दूँ, मेरा ऐसा कोई अकाउंट नहीं है, ना टेलीग्राम पे है ना कहीं है, और ना मैं तुम्हें कोई कमेंट कर रही हूँ कि मुझे पैसे दो. तो प्लीज़ ऐसे किसी भी फेक अकाउंट पे ट्रस्ट मत करो. और ये चीज़ मैंने पहले भी फेस करी है कि हमारे नेम से फेक अकाउंट बना के काफ़ी लोगों ने ऐसे पैसे लेने की ट्राई करी है, बट आई डोंट गिव अ फक टू देम, कि यार टाइम वेस्ट है. आजकल सब इतने इंटेलिजेंट है, आजकल सब इतने समझदार हैं कि सब समझ जाते हैं कि यार ब्रो ये फेक अकाउंट है, तो कोई ट्रस्ट नहीं करता. पर कोई नहीं, कुछ लोग होते हैं इनोसेंट, नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि शायद मेरा ही अकाउंट है वो. तो गाइज नहीं, मेरा ऐसा कोई अकाउंट नहीं है. तो प्लीज़ अगर तुमसे कोई ऐसे फालतू के पैसे ऐसे मांगे ना, उसको फक मत देना बिल्कुल भी. तो मेरा ऐसा कोई फेक अकाउंट है नहीं गाइज. और अगर आगे भी तुम लोगों को ऐसा कोई भी मैसेज आए, कुछ भी कमेंट्स आएँ, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना. मेरा एक ही अकाउंट है काजल द ग्रेट यूट्यूब पे, और काजल द ग्रेट एट इंस्टाग्राम पे, और एक ही स्नैपचैट अकाउंट है काजल डॉट के जे 009900, और एक ही फेसबुक पे काजल द ग्रेट. तो इसके अलावा मेरा कोई अकाउंट किसी भी ऐप पे नहीं है. सो डू नॉट ट्रस्ट देम, पैसे मांगे कुछ करें गाली दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दैट्स इट गाइज, यही बताना था मुझे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट. मैं बहुत परेशान हो गई थी यार, मेरे कम से कम 50 डीएम आ गए काजल दी आप हो गया काजल, या इज दिस यू काजल ब्रो, तो तू पैसे मांग रही है क्या? नो दैट्स नॉट मी. तो अब हम करते हैं अपनी तबीयत पे अपडेट देते हैं गाइज आप लोगों को. तो मेरी तबीयत अब बेटर तो नहीं कह सकते, पर मैंने खुद ही सोचा कि यार उठते हैं कुछ काम करते हैं, क्योंकि ऐसे कब तक चलेगा.
तो शिल्पा भी अभी फ्री नहीं हो पा रही, तो मैं जा नहीं पा रही हूँ अभी। वी गाइज आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप, कि सीधा ट्रिप ही कर लेते हैं। सब बहुत इरिटेट हो गए हैं घर में रह रहे के, ज़्यादा ब्लशर हो गया क्या नाक पे, सब बहुत इरिटेट हो गए हैं घर में रह रहे के ना। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ ट्रिप ही कर लेते हैं, कुछ अच्छा कंटेंट लाना पड़ेगा। तो तुम लोग भी सही हो अपनी जगह कि काजल दी घर से बाहर निकलो, वीडियोस बनाओ, व्लॉग्स बनाओ, बट यार बंदा अच्छा फील तो करे, अच्छा फील ही नहीं हो रहा तो क्या वीडियो। ये बताना था मुझे। और अभी मुझे जैसे कि शूट करना है तो मुझे करना पड़ेगा जैकेट में शूट, क्योंकि ब्रांड की डिमांड थोड़ी ऐसी है गाइस, सो कांट हेल्प इट। अब मुझे ये थोड़ा कम लग रहा है, बिल्कुल पता नहीं, मुझे ना इन वाले वीडियोस में ज़्यादा मज़ा आ रहा है बनाने में। ये जो मेकअप करते करते मैं तुम लोगों से बात करती रहा, फन इजी पीजी वर्क, वैसे इजी पीजी भी ना बोलूँ तो मुझे फन आ रहा है इन वीडियोस में। और तुम लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया था यार मेरी मेकअप वीडियो पे, ये काजल जी आपने तो क्या वाओ मेकअप किया है यार, आप तो एकदम लैविश मेकअप करते हो इतने कम प्रोडक्ट्स में और इतना अच्छा मेकअप, थैंक यू गाइज। क्या पता दिल्ली की मुआ आने वाले टाइम में मैं ही बन जाऊँ। हम करते हैं फटाफट से चेंज और फिर आप लोगों से आके मिलते हैं। आज हम ट्राई करेंगे अपनी आईज़ पे थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देने का, तो पहले मैं मिरर में देख के लगा लेती हूँ गाइस, कहीं गलत ना हो जाए, और फिर वेट, और फिर हम इधर आके उसको मर्ज करेंगे। फिर बाल कैसे से हो रखे हैं, बीमार होना गाइस, बीमार हुए सिंपथी दो। अपनी आईज़ पे ना पहले ऐसे ऐसे काजल लगा लो ऊपर आड़ा टेढ़ा, कैसे भी लगा लो, फिर ब्रश लो और उससे उसको मर्ज कर दो। और फिर यहाँ से ऐसे खराब हो जाए तो क्लीन कर लो। ब्रश थोड़ा मोटा है वैसे, मैं पतले ब्रश से करती हूँ तो इसलिए फैल रहा है पीछे से। फिर हम इसको ऐसे सड़ा लेंगे गाइस और फिर इसको पोंछते हैं कि ये थोड़ा फैल गया इधर से। कोई नहीं, पैनिक नहीं होंगे और ऐसे साफ कर लेंगे, ठीक है। ऐसे सेम आइस पे, अब ये वाली आइस कितनी बड़ी लग रही है मेरी ऐसे, अरे छोटी। अब हम इस पे लगाएंगे अपना मस्कारा, और मस्कारा हमेशा ऐसे गोल गोल घुमा के लगाना चाहिए गाइस। पहले मैं ऐसे ऐसे करती थी, गोल गोल गोल, मेरी आंख में चला गया, सी द डिफरेंस गाइस। हमारा मेकअप हो चुका है डन ऑलमोस्ट, अब हम लगाते हैं लिपस्टिक गाइस। बहुत अच्छी ग्लॉस, बहुत इतनी। अब हम करते हैं क्विकली चेंज और मैं आपको अपनी आउटफिट भी दिखा दूंगी और फिर हम करते हैं इस ब्लॉग का एंड गाइस। हम पहनेंगे अपनी ब्लैक जीन्स और ब्लैक हाई नेक एंड ब्लैक जैकेट। सो फाइनली गाइस ये मुझे फिट आ गई, मुझे बहुत टाइट हो गई थी जब मेरा वेट गेन हो गया था, बट अब फिट है, आई एम हैप्पी। मुझे टर्टल नेक पहले ही पहन लेना चाहिए था गाइस, उसने तो मेरा मेकअप ही उजाड़ दिया। कोई नहीं, अब हम इसको करेंगे टक इन और फिर ऐसे, और उसके बाद जैकेट लाइक दिस, सो इट विल लुक गुड। हाँ तो चलो अब हम फटाफट वीडियो बना लेते हैं गाइस, मैं वीडियो बनाने के लिए लेट हो रही हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज जस्ट अ आउटफिट इंस्पिरेशन फॉर यू गाइस, बॉयज भी पहन सकते हैं वैसे ऐसे, गर्ल्स भी पहन सकती हैं एंड यू विल लुक सुपर कूल। तो बाकी वो फेक अकाउंट वाली बात याद रखना गाइस, मेरा कोई फेक अकाउंट नहीं है ऐसा, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। कोई टेक्स्ट करे तो उसको ऐसे लिख देना फक ऑफ। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, अब मैं सीधा शूट करने जाऊंगी, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, बाय।